तव निन्दामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विघ्नन्ति ये भूरिदाचन। हम लोग श्री राम कृष्ण वचनामृत का पाठ कर रहे हैं, परिच्छेद 74, 5 जनवरी 1884 ईस्वी। श्री राम कृष्ण के पास मास्टर महाशय रह रहे हैं और रहते हुए 23 दिन रह रहे हैं। 23 दिन तक कंटिन्यूअसली वे श्री राम कृष्ण के पास रहे, उसी का उन्होंने विस्तार से विवरण हमारे पास लिख के रखा है। उस दिन श्री राम कृष्ण ने स्वयं मणि को नौबत खाने में स्वयं मणि को उन्होंने बुलाया था, वे नौबत खाने में थे, वहीं से उन्होंने नाम लेकर बुलाया जिससे उनसे वे वार्तालाप कर सकें। ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। सामान्यतः हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु हमें उपदेश देते हैं, लेकिन यहां तो गुरु स्वयं शिष्य को बुला रहे, शिष्य को बुलाकर और स्वयं कृपा करके उनको उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने उन्हें बुलाया और जो उन्होंने उपदेश दिए थे उनको हमने पिछले 3 प्रवचनों में 3 पृष्ठों पर जो थे बहुत महत्वपूर्ण कुछ उपदेश थे उनको हमने पिछली बार 2-3 क्लासों में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो पोर्शन है वह अत्यंत, मैं समझता हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि यहां पर हम देखेंगे कि श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हैं और समाधि में वे वार्तालाप कर रहे हैं। जो पोर्शन है उसमें श्री राम कृष्ण भाव विमेश में है, मां जगदम्बा से बातचीत कर रहे हैं, मां जगदम्बा के साथ एक होकर वार्तालाप कर रहे हैं। और जब श्री राम कृष्ण मां जगदम्बा के साथ एक होकर वार्तालाप कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि श्री राम कृष्ण के मुंह से स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश। वस्तुतः ये तो लोगों की श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। भगवान राम, असंख्य लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दशरथ के पुत्र थे, और जब वे जीवित थे तब स्वयं को अवतार या भगवान नहीं कहते थे। लेकिन आज इतने हजार साल बाद हम भगवान राम को अवतार के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो राम दशरथ घटघट में लेटा, जो राम जगत पसेरा, जो राम दशरथ का बेटा, वह राम सबसे न्यारा, वही राम घटघट में लेटा हुआ, तुलसीदासी उसको भगवान राम को अवतार कहते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान राम को अवतार कहा गया, वाल्मीकि रामायण में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया, श्रेष्ठ पुरुष, सभी समस्त गुण गणों से युक्त ऐसा कहा गया। श्री कृष्ण तो अपने अवतार लीला प्रारंभ से ही बताई, बचपन से ही वे चमत्कार करते रहे, छोटे से बच्चे होते हुए ताड़का का वध किया, अपने पूतना का वध किया, इतने बकासुर अघासुर इन सबका उन्होंने वध किया। जो भी हो भगवान राम और कृष्ण को हम अवतार मानते, श्री राम कृष्ण हमारे इतने निकट हुए है ना, 175 वर्ष आज हुआ, 175वां वर्ष चल रहा है ये वर्ष, 175 वर्ष हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति, और उनको अवतार मानना जरा कठिन लगता, थोड़ा समय लगेगा उसको स्वीकार करने के लिए। और अगर अवतार न भी स्वीकार करें तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन जब हम
श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वे एक सामान्य हमारे मानवीय स्तर पर नहीं जीते थे, एक भिन्न स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, भगवान के स्तर पर जीते थे। अधिकांश समय में भगवान के साथ एक रूप रहते थे। उनका शरीर था लेकिन उसके भीतर और कोई था जो उपदेश देता था, वार्तालाप करता था। ये श्री रामकृष्ण वचनामृत, उनकी जीवनी इत्यादि पढ़कर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जैसा क्रिटिकल व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद किसी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते थे, ऐसे सूक्ष्म व्यक्ति जो तर्कयुक्त थे, विचारवान थे, संशयशील थे, वे भी कह उठते थे, बात बात में कहने लगे। वे कहने लगे थे कि एक स्तर होता है लोगों का जो मानव और ईश्वर के बीच के होते हैं। कुछ मानव, कुछ लोग होते हैं मानव और देवता के बीच में। श्री राम कृष्ण वैसे हैं, मानव भी हैं और उन्हें देवत के लक्षण भी हैं। इसलिए श्री राम कृष्ण को स्वामी विवेकानंद नरदेव कहा करते थे, नरदेव। एक और श्री राम कृष्ण अत्यंत सामान्य बालक हैं। स्वयं श्री राम कृष्ण कहते थे कि हमारे मेरे भीतर दो हैं, एक है भक्त, तो सामान्य भक्त है जैसा भक्त रहता है वैसा मानव, और एक है भगवान। श्री रामकृष्ण जब सामान्य व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते थे तो वे पूर्ण रूप से सच्चे एक भक्त के बच्चे के जैसे व्यवहार करते थे। एक सरल बालक, उसमें कोई शक्ति नहीं, घबरा जावे, उसमें भी उनका भी एक सौंदर्य था, उनका मानवत्व भी एक सुंदर मानवत्व था, एक बच्चे का मानव था, मानवत्व था, अत्यंत सरल। उनको देखकर लोग आकृष्ट हो जाया करते। महेंद्रनाथ गुप्त, महेंद्रनाथ सरकार, महेंद्रनाथ सरकार जो डॉक्टर थे श्री राम कृष्ण के, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो श्री राम कृष्ण को देखते थे और कहते थे उनसे आकृष्ट हो जाते थे। लोगों ने पूछा कि आपको उनमें कुछ विशेषता दिखाई देती है, कुछ आकर्षण लगता है, देवत्व दिखाई देता है? महेंद्रनाथ सरकार कहते हैं वो सब नहीं लगता, इनके पास आना अच्छा लगता है इसलिए आता हूं, और तुम लोग इनको अवतार कह के, भगवान कह के क्यों बिगाड़ रहे हो? वो तो कहते इतना अच्छा सरल व्यक्ति है, बच्चे जैसे कितने सरल हैं, उपदेशों को कितने सरल भाषा में बोल देते हैं, और ऐसे व्यक्ति को तुम लोग भगवान बना के उनको बिगाड़ रहे हो, उनका अहंकार बढ़ा दोगे। तो श्री रामकृष्ण का जो मानवत्व था वो भी आकर्षक था, छोटे बच्चे जैसे सरल। क्या होगा, जा रहे हैं बग्गी में जा रहे हैं, प्यास लगी, अरे मेरे को प्यास लगी, अब क्या होगा, बच्चा जैसे। लोग उतरे वहां से, जाए किताब पानी ला के पिलाया, बग्गी में जा रहे हैं, दोनों तरफ बंगले हैं, कहीं पर पियानो बज रहा है फॉरेनर्स का, ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी में से, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल छोटे बच्चे की। लेकिन श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि अचानक कुछ हो जाता था, उनमें भावावेश हो जाता था, जिनके उनके भीतर जो भगवान है जो वो प्रकट हो जाता था, तब फिर वो पूर्ण रूप से भिन्न व्यक्ति हो जाते थे। वो लगता ही था कि भिन्न व्यक्ति हैं, और फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। एक और तो केशव चंद्र सेन जब मिलने के लिए आ रहे हैं तो श्री रामकृष्ण मानव बच्चे जैसे घबरा गए, अरे वो मिलने आ रहा है, इतना बड़ा पंडित, वो मुझसे मिलने आ रहा, मैं क्या करूंगा, डायरिया हो गया, डर के मारे जैसे कहते ना, डायरिया हो गया, एग्जामिनेशन के पहले जैसे डायरिया हो जाए, दो तीन बार झाऊ तल्ले चले गए। और जब आया, जब बात करना प्रारंभ किया, अचानक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें भीतर भगवान का उद्रेक, भगवान, देयर इज, ही वॉज ए गॉड मैन, देव मानव, नरदेव। तो आज जो पोर्शन हम पढ़ेंगे, एक तो वह लेवल,
दूसरा वो गुरु के स्तर पर बातचीत करते हैं, और तीसरा कभी कभी जब भावावेश हो जाता है, भगवान के साथ जब एक हो जाते हैं, तब उनके उपदेश, उनका व्यवहार वो बिल्कुल भिन्न प्रकार। आज का जो रिकॉर्डिंग है मास्टर महाशय ने किया है, उसमें उपदेश है श्री राम कृष्ण के, लेकिन उसके साथ ही साथ श्री राम कृष्ण ने भावावेश में मां जगदम्बा से बातचीत कर रहे हैं, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। श्री राम कृष्ण पंचवटी की ओर देखकर कहते हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं, इस पंचवटी में मैं बैठता था, ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया, वह समय भी बीत गया। काल ही ब्रह्म है, जो काल के साथ रमण करती है वही काली है, आद्याशक्ति अटल को टाल देती है। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। तुम्हारा भावार्थ है गाने का, तुम्हारा भाव क्या है यह सोचते हुए यहां तो प्राण ही निकलते आ रह गए। जिनके नाम से काल भी दूर हो जाता है, जिनके पैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्यों हुआ। इसमें मैंने आगे पढ़ चुका हूं, ये बात श्री राम कृष्ण बताना चाहते हैं, वो ये है चित शक्ति और चित आत्मा। चिदात्मा चैतन्य, सर्वत्र एक चैतन्य विद्यमान है, लेकिन यह चैतन्य एक शक्ति भी है, उसके साथ में शक्ति भी है। जैसे श्री राम कृष्ण कहते थे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दोनों अभिन्न है। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? अद्वैत वेदांत कहता है कि चैतन्य एक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है, जो शक्ति है माया शक्ति वो जड़ शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति नहीं है। ये सारे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय जो हो रहा है वो शक्ति कर रही है। मैंने कई बार इस बात को बताया है, सांख्य के अनुसार वो कहते हैं दो तत्व हैं, एक है पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष चैतन्य है लेकिन निष्क्रिय है, कुछ काम नहीं कर सकता। प्रकृति जड़ है लेकिन वह उसमें शक्ति है, क्रिया शक्ति सब कुछ है। और मैं इंजन का दृष्टांत देता हूं, इंजन में 1000 हॉर्स पावर या 50-20 हजार हॉर्स पावर की शक्ति है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप बैठा हुआ है जब तक वो ड्राइवर जाके बटन नहीं दबाए। ड्राइवर चैतन्य है, उसमें शक्ति नहीं। तो ये सांख्य का जो कॉस्मोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसको वेदांत ने भी स्वीकार किया। सांख्य कहता है दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों सत्य हैं। वेदांत एक स्टेप आगे जाके कहता है नहीं, एक ही सत्य है, ये प्रकृति जो है वह मिथ्या। खैर जो भी हो, लेकिन दोनों के अनुसार यह जो शक्ति है वो जड़ है। और उसको चलाने वाला एक चैतन्य शक्ति है, कंट्रोलर जो है वो चैतन्य है। लेकिन यहां पर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, और यह जो श्री राम कृष्ण का उपदेश है, ये जो सिद्धांत है, ये दर्शन है, ये शैविज्म, काश्मीर शैविज्म या शैव सिद्धांत से मिलता है, शाक्त सिद्धांत से भी मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि शक्ति भी चैतन्य शक्ति। आत्मा तो चैतन्य है ही, जो शक्ति है वह भी चैतन्य है। जैसे सांप, सांप जब कुंडली मारे बैठा हुआ है, हिलता डुलता नहीं है, तब भी सांप है, और जब वो हिलता डुलता है तब भी सांप। जब निष्क्रिय है तब हम कहते हैं चिदात्मा, और जो सक्रिय हुआ हो गया चित शक्ति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति का। यह भी मैंने आपको दृष्टांत दिया। श्री राम कृष्ण इसी बात को कहते हैं उन्माद हो गया। श्री राम कृष्ण कहते हैं मुझे उन्माद हो गया, पागलपन, स्पिरिचुअल मैडनेस। अब वो सारी कथा है श्री राम कृष्ण कैसे उन्मत्त के समान व्यवहार करते थे, जब जगत के संबंध में
यह लगने लग जाए कि जगत असत्य है और परमात्मा सत्य है, जब यह बात दृढ़ता से मन में बैठ जाएगी तब हम जगत के नियमों के अनुरूप कार्य करेंगे क्या? हम जगत के नियमों को नहीं पालेंगे। जो संत होते हैं उनके लिए जगत जब मिथ्या हो जाता है, जगत ठीक ठीक असत प्रतीत होता है, तब वो उसके अनुरूप, उस नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करते और तब वे पागल जैसे दिखते हैं। जितने संत हुए उनके सभी के जीवन में, इस प्रकार की उच्च कोटि के संतों के जीवन में इस प्रकार का उन्माद होता है कि जब लगता है कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है। सूफी संतों में लीजिए, शिबली लीजिए, मंजूर हल्लाज लीजिए, ये सब जो है वो ऐसे व्यवहार करते थे कि लोग कहते थे कि ये तो हमारे नियम, जो कुरान के नियम है, इस्लाम के नियम, शरीयत के विरुद्ध जा रहे हैं, और उनको वो लोग तंग करते थे, उनको दंड देते थे। भारत में भगवान की कृपा से हम लोग संतों को दंड नहीं देते, उपेक्षा भले कर दे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं, मुझे भी उन्माद हो गया, पागलपन जैसा हो गया। सब जगह भगवान देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मूर्ति में पूजा, चारों ओर भगवान दिख रहे हैं, तो क्या करने लगे? सब जगह फूल तोड़ फेंकने लगे। अरे ये पागल हो गया क्या? मूर्ति के सामने पूजा, फूल, सब जगह फूल। एक बिल्ली आई तो उसमें मां दिख रहा है, बिल्ली को खिला दिया, पागलपन नहीं तो क्या? डिवाइन मैडनेस संतों के जीवन में आती है, लोग उनको समझ नहीं पाते। श्री रामकृष्ण की जीवनी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई उनके ऐसे आचरण होते थे जो लोकाचार के विरुद्ध होते थे। मार दिया, रानी रासमणी बैठी हुई है वहां पर भजन सुन रही है मंदिर में और उसको चांटा मार दिया, ये क्या पागलपन नहीं तो क्या? अरे रानी रासमणी जिसने मंदिर बनवाया है उसको चांटा मार दिया, वो तुमको निकाल देगी, वो तो तुमको दंड दे सकती है, मार दिया। श्री रामकृष्ण देख लिया उसके मन में क्या बात हो रही थी। वो बैठी है वहां पर कोर्ट के मुकदमे के बारे में सोच रही है, मंदिर में बैठी और श्री रामकृष्ण भजन गा रहे मां जगदम्बा के सामने, चांटा, उन्माद हो गया था श्री रामकृष्ण कहते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि वह समय भी बीत गया। उसके बाद में व्यक्ति एक बार उस स्टेज से निकलकर देन ही कम्स डाउन, इस जगत में भी ब्रह्म देखते हैं, ये समझ जाते हैं कि हमें दो प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। वेदांत भी इस बात को स्वीकार करता है, एक तो परमार्थ, पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार करता है जब वो कहता है कि ये जगत जो है यह मिथ्या है। अब जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, यह हुआ पारमार्थिक सत्य। फिर कहते हैं कि नहीं, जगत की व्यावहारिक सत्ता है, ये जगत है व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है, ये व्यवहार करो, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जानो कि यह मिथ्या। श्री रामकृष्ण उस उच्च स्तर पर पहुंचकर जब जगत को मिथ्या जानकर पागलपन की अवस्था से उसके बाद जब वापस आए तब देखा कि नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से जगत के साथ व्यवहार करना, उसके बाद उन्होंने व्यवहार किया। वह समय बीत गया। अब श्री रामकृष्ण यहां से वही जो मैंने कहा, चित शक्ति और चित आत्मा, ब्रह्म और काली, उसका उपदेश दे रहे हैं। काल ही ब्रह्म है, जो काल के साथ रमण करती है वही काली है, आद्या शक्ति अटल को टाल देती है। मुख्य बात श्री रामकृष्ण जो आप कहना चाहते हैं वह है मां काली का भाव, काली का स्वरूप क्या है। तो पहले कहते हैं काली कौन है, जो काल के साथ रमण करती है, काल के साथ रहती है। काल कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म सदा विद्यमान रहता है, काल जो सदा विद्यमान है, परिवर्तनशील, हम जिसको टाइम कहते हैं, जो काल सबको निगल जाएगा, सबको खा जाएगा। हम यहां बैठे हुए हैं आज, काल सबको खा जाएगा, 10-20 साल बाद कोई नहीं बचेगा, 50 साल बाद कोई नहीं बचेगा, यह आश्रम नहीं बनेगा, 1000 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता,
एक लाख साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, काल एक महाकाल जो है वो आता है सबको खा चला जाए। आप लोगों ने महाभारत का सीरियल देखा होगा ना, उसके पहले क्या होता है, शुरू में जो होता है वो मैं काल हूं, है ना, एक चक्र दिखाते हैं, एक घड़ी घूम रही है, मैं काल क्या हो रहा है सब काल, वो निष्पक्ष भाव से देखता है, अच्छा बुरा काल जो है उससे परे, सदा विद्यमान, वो सारा चीजों देखता है, चीज आती है चली जाती है, अच्छी चीज आई बुरी चीज आई सब कुछ चली गई। उसने युधिष्ठिर को भी देखा, भीष्म को देखा, दुर्योधन को देखा, अच्छी बुरी सब बातें जो हुई उसको सबको देखा, काल में सब चल। श्री रामकृष्ण कहते हैं वही काल वही ब्रह्म, एक सिद्धांत के अनुसार। फिर कहते हैं जो काली है, जो शक्ति उसके साथ कार्य करती है उसको उन्होंने काली कहा, आद्या शक्ति, आदि 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 यानी पुरातन, सबसे पहले जो विद्यमान, बिगनिंगलेस जो है आदि शक्ति, वो अटल को भी टाल देती है, जो चाहे सो कर सकती है, जो नियम है अटल, टल नहीं सकता, बदलते नहीं सकता, उसको बदल देती, बियॉन्ड नियम। श्री राम कृष्ण कहते थे, किसी ने पूछा, मथुर बाबू ने एक दिन कहा, बातचीत हो रही थी मथुर बाबू के साथ, मथुर बाबू ने कहा कि बाबा नियम बना रखे हैं, भगवान को भी नियम पालन करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे कैसी बात करते हो, अरे भगवान ने नियम बनाया, नियम बदल सकता है, और सरकार ने नियम बनाए हैं इस तरह चलना है, कैसे चलना है कि आपको लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा, चाहे तो बदल सकते हैं, कहते हैं कि राइट साइड से चलो, बदल सकते हैं, हमने नियम बनाया है, नियम बदलते हैं कि नहीं, 10 साल 20 साल एक नियम होता है उसके बाद बदल जाता है। सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ड्रॉन, जिसने बनाए हैं रूल्स रेगुलेशंस वो रूल्स रेगुलेशन को चेंज भी कर सकता है। श्री राम कृष्ण ने कहा, मथुर बाबू ने कहा नहीं नहीं भगवान ने नियम जो भी नियम है भगवान को उसको भी पालन करना पड़ता है। श्री राम कृष्ण ने कहा, तो मथुर बाबू ने कहा अच्छा ये बताओ, ये जवा का लाल जवा का फूल जो आता है, लाल जवा के पेड़ में सफेद फूल हो सकता है क्या? श्री राम कृष्ण ने कहा हो सकता है, और दूसरे दिन देखा एक टहनी के ऊपर लाल फूल, दूसरे दिन टहनी पे सफेद। सफेद जवा आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा, होता है बिल्कुल सफेद जवा भी होता है, वहां पे रांची वगैरह में कहीं है आश्रम, पर यहां पे सफेद जवा, तो ला के देखो। मथुर बाबा ने कहा बाबा मैं मान गया आपकी बात, एक ही टहनी पे एक प्लांट में, एक में लाल और एक में सफेद, भगवान भी नियम बदल सकते हैं, टल को अटल को शक्ति चेंज कर सकते हैं, चेंज द लॉस। आप लोगों ने वो गणेश जी ने दूध पिया था है? यहां भी पिया था कि नहीं पिया था? आप लोगों ने देखा था किसी ने? मैंने तो नहीं देखा। तब ये लॉ है क्या? मूर्ति के सामने दूध ले जाओ, दूध पी रही है, और एक जगह नहीं सारे दुनिया में हुआ। टल का अटल चेंज, लॉ कैन बी चेंज, मां जगदम्बा शक्ति जिसे कहते हैं टल को अटल कर सकते। और फिर श्री राम कृष्ण गाने लगे। अब ये भाव ऐसा है, हम लोग भी जब इस बात को सोच रहे हैं आनंद आ रहा है कि अच्छा लग रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, श्री राम कृष्ण ने जैसे ये सुना गाने लगे, सोचते हुए यहां तो प्राण निकलने आ रहे हैं, अरे तुम्हारी लीला मां जगदम्बा तुम अटल को टल करने वाली हो, ये सोचते हुए तो मैं तो विभोर हो रहा हूं, जिसके नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके पैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं उनका स्वरूप काला क्यों हुआ। बंगाली में ये बहुत अच्छा भजन है, काल काल काली काला काल कहनो होलो, इस तरह के काल सब मुझे याद नहीं है, बहुत ही अच्छा उसमें रिदम बहुत अच्छा है, वो काली क्यों, काला रूप क्यों हुआ। ऑफ कोर्स उसका उत्तर तो यह है कि दूर होने के कारण
वस्तु काली दिखाई दे रही है, आकाश उसका कोई रंग नहीं है लेकिन नीला देखता है। समुद्र को आप दूर से देखो तो नीला है, हाथ में ले जाओ तो नीला नहीं है, सब कोई रंग नहीं है पानी का, लेकिन फिर भी दूर है इसलिए वो नीला या काला दिखाई देता है। श्री राम कृष्ण आगे कह रहे हैं मास्टर महाशय से, आज शनिवार है, आज काली मंदिर जाना। शनिवार और मंगल देवी के दिन माने जाते हैं, इस दिन विशेष करके माँ जगदम्बा का, मनसा देवी, चंडी, इन सब की पूजा होती है, इसलिए कहते हैं। बकुल के पेड़ के नीचे आकर श्री राम कृष्ण मणि से कह रहे हैं, ये दक्षिणेश्वर का एक पोर्शन है जिसमें बकुल का वृक्ष है, चिदात्मा और चित शक्ति, चिदात्मा पुरुष है, चित शक्ति प्रकृति, चिदात्मा कृष्ण है, चित शक्ति श्री राधा, भक्तगण उसी चित शक्ति के एक एक स्वरूप है, वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे, यही असली बात है। अब ये जो है ये एक फिलॉसफी, एक दर्शन विशेष है जो मानता है कि भगवान चैतन्य स्वरूप है, और जैसा कहा बाकी जो है चित शक्ति, जो मैंने कहा ना कि सब कुछ वो चैतन्य की शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, और चित शक्ति के जो भक्तगण हैं वो भी उनमें सब शक्ति का अंश है। सखी भाव या दास भाव को रहेंगे, भगवान से संबंध स्थापित करना है, किसी न किसी प्रकार का संबंध हमें स्थापित करके रहना। वैष्णवों में खास करके जो श्री कृष्ण के उपासक हैं वो समझते हैं कि हम भगवान की दासी हैं। इसका एक दृष्टांत मिलता है कि जब मीराबाई वृंदावन में गई तो वहां पर सनातन गोस्वामी थे, बहुत बड़े संत थे, रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी बहुत बड़े संत थे, तो संत संत मिलेंगे, कुछ वार्तालाप होगा, भगवत चर्चा होगी, सत्संग होगा। उन्होंने मीराबाई ने कहलाया कि मैं संत के दर्शन करना चाहती हूं, तो उन्होंने कहला दिया कि मैं स्त्रियों का को नहीं देखता, तो संत थे और स्त्रियों से दूर रहने चली, कई लोग बहुत कट्टर होते हैं, उनका कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीराबाई ने कहला भेजा कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, ये दूसरा पुरुष कौन सा आ गया, वृंदावन का भाव क्या है, श्री कृष्ण ही एक पुरुष हैं, बाकी जब हैं वो चित शक्ति के अंश हैं, सब मानव फेमिनिन हैं, श्री कृष्ण ही एक मैस्कुलिन। वो गोस्वामी को समझ में आई बात और उसके बाद उन्होंने भेंट की, मीराबाई से भेंट की, सत्संग किया। तो श्री राम कृष्ण यही कहते हैं वहां का क्या है, वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे, यह असली बात है। संध्या हो जाने पर श्री राम कृष्ण काली मंदिर गए, मणि माता का स्मरण करते हैं, यह देखकर श्री राम कृष्ण प्रसन्न हुए। मैंने कहा ना श्री राम कृष्ण का एक विशेष भाव था, ये मातृत्व की स्थापना, भगवान को मां के रूप में पुकारना, यह भाव हमारे यहां तो है ही। आप उत्तराखंड अपने यहां पे हिमाचल प्रदेश वगैरह में जाइए, उत्तराखंड यहां तो मां के बहुत सारे वो ही हैं, हमारे यहां तो शक्तिपीठ है, तो भारत में तो भगवान को मां के रूप में उपासना करना हम लोग इसके अभ्यस्त हैं। श्री राम कृष्ण ने आज के युग के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा, स्वयं मां जगदम्बा को, भगवान को मां जगदम्बा के रूप में पूजा, और वे चाहते थे कि उनके भक्त भी वो करें। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने ऐसी परिस्थिति में डाला कि उनको मां काली को मानना पड़ा, तोतापुरी महाराज जो नहीं मानते थे उनको ऐसी परिस्थिति में डाला कि उनको अंत में मां जगदम्बा को स्वीकार कर। तो श्री राम कृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज के युग के लिए, शक्ति को स्वीकार करना होगा और भगवान को मां के रूप में उसकी उपासना करना आज के युग के लिए में अत्यंत श्रेष्ठ साधन है। और इसलिए जब उन्होंने देखा कि मणि यानी मास्टर महाशय माता को क्या ध्यान कर रहे हैं, मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हें प्रसन्नता हुई। सब देवालयों में आरती हो गई,
श्री राम कृष्ण अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं, जमीन पर सिर्फ मणि बैठे हैं, श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए। अब यहां से कुछ प्रारंभ होगा। श्री राम कृष्ण संध्या समय होता था, शांत समय, हम लोग भी संध्या के समय ध्यान करते हैं, आरती करते हैं। ये जो संध्या यानी जब मॉर्निंग में, मॉर्निंग संध्या को भी कहते हैं, जब रात और दिन का मिलन होगा, संध्या यानी यूनियन होता है, उसको संधि कहते हैं, संधि यूनियन। शाम को भी रात दिन समाप्त होकर जब रात प्रारंभ होती है उसको संधि कहते हैं। ये संधि क्षणों में प्रकृति शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, और इसलिए हमारे यहां पर नियम है, वस्तुतः सभी धर्मों में नियम है कि इन समय में, इन संध्या के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही प्रकृति शांत हुई हमें अवसर निकालकर भगवान का स्मरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुतः स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेशों में तो यह भी है कि कभी कभी संध्या दो प्रकार, चार संध्याएं होती हैं। एक जब अब 12 बजे 1 बजे जब सूर्य बिल्कुल जेने ऊपर चला जावे और उसके बाद में फिर नीचे जाने का लगे, तब एक संध्या होती है। दूसरी अर्धरात्रि की भी संध्या होती है। जब भी हो, कभी कभी हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रकृति शांत हो गई, तूफान आया था अचानक चला गया, सब कुछ शांत है, मन शांत हुआ। ऐसे क्षणों को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, ट्राई टू कैच दोस पॉइंट्स, और उस समय ध्यान करने का प्रयत्न। जो हो, यहां तो संध्या है, आरती हो गई है, श्री राम कृष्ण उस समय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। ये आप श्री राम कृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो सर्वत्र प्राप्त करेंगे। संध्या के समय श्री राम कृष्ण या तो भाव में विभोर हो जाते थे या समाधिस्थ। कुछ देर बाद वे समाधि से उतरने लगे, परंतु फिर भी अभी भाव पूर्ण मात्रा में है। मैंने भाव के संबंध में पिछली बार थोड़ी बातचीत की थी, ये तो भाई साधना करें तब समझने की बात है। श्री राम कृष्ण भगवान के भाव में समाधि से थे, अब जब आए तो दूसरी स्थिति है, कॉन्शियस लेवल पे है लेकिन वह मन जो है वह भगवान की ओर खींच रहा है, इस भाव में वे विद्यमान है। श्री राम कृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है। माँ से करुण स्वर में कह रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन। और जो मैंने प्रारंभ में, आज प्रवचन के प्रारंभ में कहा, यहां पर श्री राम कृष्ण भगवान के साथ एक हैं और एक होकर बातचीत कर रहे हैं। ही इज इन कंप्लीट यूनियन। समाधिस्थ रहते हैं तब तो बोलते नहीं है, लेकिन यहां बातचीत कर, और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण। क्या कहते हैं? मां से करुण स्वर में कह रहे हैं, मां क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया, वही भुवन मोहन रूप, कितना मुझे तुझे कहा, परंतु कहने से तू सुनेगी काहे को, तू तो इच्छा मई है। ठीक जैसे बच्चा मां से बात कर, श्री रामकृष्ण ने मां से ऐसे स्वर में कही ये बातें कही जिससे सुनकर पत्थर भी पिघलकर पानी हो जाए। ठीक छोटा एक बच्चा मां से झगड़ा कर, मां उसके सामने कहा ना, जैसे छोटा बच्चा मां से दुलार करते हुए बातचीत करता, कभी कभी मां, बच्चा मां की गोद में बैठ जाता, गोद में ऐसा टेका लेके बैठ जाता, तूने मेरे को क्यों नहीं दिया, मैं तेरे को मर बोला था तू मेरे से क्यों नहीं दिया, जा तेरे से नहीं बात कर। मां फिर सहलाती है, फिर थोड़ा बात करती है, ठीक वह भाव। अब आप समझ लीजिए श्री राम कृष्ण के लिए मां जगदम्बा कितनी सत्य थी। ऐसे स्वर में कहा जिसको सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। ठीक ठीक बच्चे का भाव, करुण भाव, जो मां जगदम्बा पर, अपनी मां पर पूर्ण रूप से आश्रित। श्री राम कृष्ण फिर मां से बातचीत कर रहे हैं, मां विश्वास चाहिए, यह साला तर्क विचार दूर हो जाए, उसका भरोसा क्या,
वह तो जरा सी बात में बदल जाता है। विश्वास चाहिए, गुरु वाक्य में विश्वास, बालक जैसा विश्वास। मां ने कहा वहां भूत है, तो उसने ठीक ठीक समझ रखा है कि वहां भूत है। बच्चा को मां बोल देती, बेटा वहां नहीं जाना, भूत है। हाँ भूत है, अच्छा फिर नहीं जाऊंगा। फिर मां ने कहा वहां हवा है, तो उसने ठीक समझ रखा है कि वह हवा है। मां ने कहा वह तेरा दादा है, समझ लिया कि बस सोलो आना दादा। बच्चा विचार नहीं करता, मां ने कहा उसको बांध। विश्वास चाहिए, ये दुर्भाग्य है। मास्टर महाशय से श्री राम कृष्ण कहेंगे, पहले कहा था, प्रारंभ में कहा था विचार मत करना। शुरू शुरू में आपने वचनामृत पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रारंभिक चैप्टर्स में कहा था विचार मत करो। श्री राम कृष्ण वचनामृत 2-3 बार आता है जब मास्टर महाशय से कहते हैं अरे विचार मत करो, बहुत हो गया, तर्क मत करो। तर्क का उद्देश्य क्या, विचार का उद्देश्य क्या? विश्वास की स्थापना, विश्वास को दृढ़ कर। याद रखिए, हमारे यहां पे वेदांत में विचार की चर्चा है। विवेक चूड़ामणि, अभी वैराग्य शतकम हम प्रवचन कर रहे हैं, उसमें विचार की बात है। विवेक चूड़ामणि में विचार है, उसका उद्देश्य क्या है? एक सिद्धांत को प्रतिपादित करके उसमें विश्वास कर लेना। अगर यह विश्वास सत्य है तुम्हारे को, आपको है विश्वास, तो फिर विचार की आवश्यकता नहीं है। और मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, नरेंद्रनाथ के लिए विचार आवश्यक है, क्यों विचारवान है, वो जाके प्रचार करेगा, लोगों को विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा सिखाएगा, समझाएगा, उसके लिए आवश्यक है, उसको विचार कराते हैं कि जाओ बात करो। लेकिन स्वयं की साधना के लिए विश्वास पर्याप्त है, अपने विश्वास में प्रतिष्ठित रहो बस, उसकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं। परंतु मां, उन्हीं का क्या दोष है, वे क्या करेंगे? विचार एक बार तो कर लेना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होता, जिसमें विश्वास हो गया, बच्चे जैसा विश्वास, उसको फिर विचार की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारा मन बुद्धि वाला मान मानता है, मन नहीं मानना चाहता हमारा, हम विचार करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ठीक है एक बार विचार कर लो। देखो ना, अभी उस दिन इतना समझा कर कहा परंतु कुछ न हुआ, आज बिल्कुल जैसा कथा वैसा ही, समझाओ कुछ देर समझते हैं लोग, फिर भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी कई बार विचार करना। उपनिषद में तो कहा गया है श्वेत केतु तस्तुमसी, श्वेत केतु उसको उसके गुरु उपदेश देते हैं तत्त्वम असी, जो तत् है, जो ब्रह्म है और त्वम दोनों एक हैं। कितनी बार कहते हैं? उपनिषद में ही 10 बार है, वहां उपनिषद में ही 10 बार उसको कहते हैं। वही श्री रामकृष्ण कहते हैं एक बार क्या, इतना समझाया फिर नहीं गया, फिर समझना, बार बार समझना समझाना पड़ता है। अगर विश्वास हो गुरु में तो हो गया। एक बार विचार किया उससे ही हो जाएगा, उसके बाद और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। श्री राम कृष्ण मां के साथ करुणापूर्ण गदगद स्वर से रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आश्चर्य। स्वयं के लिए नहीं, पहले तो उन्होंने कहा था ना, दुलार करते हुए कह रहे थे तूने वो रूप क्यों नहीं दिखाया, वो स्वयं के लिए कह रहे थे, मैंने कितना कहा तुझे, तूने मेरे को वो रूप नहीं दिखाया, भुवन मोहन रूप, उतना सुंदर रूप जिससे सारा पृथ्वी जो है वो मोहित हो जावे, अद्भुत रूप, भगवान का रूप कैसा हो, उस भुवन मोहन रूप को तूने क्यों नहीं दिखाया? लेकिन क्या करूं, तेरी इच्छा तू नहीं दिखाएगी। यहां पर अब श्री रामकृष्ण भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, भक्तों के लिए मां के पास रो रहे हैं। ऐसे करुणा में और कौन हो, जो भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए
भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के साथ के पास रोते हुए पुकारते हैं, कहते हैं भगवान भक्तों पर कृपा करो। क्या कहते हैं? मां तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो, सब त्याग न करना मां, अच्छा अंत में जैसा तुझे समझ पड़े करना। यहां तक कहते हैं भक्तों की इच्छा पूर्ण करो, जो तेरे पास आते हैं, यानी वो मां काली के पास नहीं, श्री राम कृष्ण के पास, श्री राम कृष्ण को जिन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि श्री राम कृष्ण और मां काली एक। श्री राम कृष्ण कहते हैं जो तेरे पास आते हैं, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना मां। श्री राम कृष्ण भक्तों के लिए प्रार्थना करो। कई स्थानों पर आता है नरेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अभी और भी आएगा। आगे क्या कहते हैं? मां संसार में रखना हो तो एक एक बार दर्शन देना, नहीं तो कैसे रहेंगे? एक एक बार दर्शन दिए बिना उत्साह कैसे होगा? मां इसके बाद अंत में जो चाहे, मैं चाहे जो करना। श्री राम कृष्ण सब कुछ कहते हुए कहते हैं, बाद में मां जगदम्बा पर छोड़ देते। कैसी अद्भुत स्थिति! हम लोग साधना करते हैं और साधना में रस नहीं आता। गुरु ने कहा इष्ट का ध्यान करो, जप करो, मन बैठता नहीं, रस नहीं आता। थोड़ी देर बैठते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, थोड़ा पैर ठीक करते हैं, सीधा करते हैं, नहीं उठता, थोड़ा सा उठ के कुर्चेयर पर बैठ जाते हैं, किया थोड़ा बहुत किया, गुरु ने कहा है इसलिए किया, रस नहीं। श्री राम कृष्ण ये समझते हैं इस चीज को, तो कहते हैं संसार में अगर रखना हो तो एक एक बार दर्शन देना। अगर थोड़ा सा अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति हो जावे, कुछ आध्यात्मिक जीवन में रस आने लग जावे, तब तो इसको पकड़े रह सकेंगे, नहीं तो कैसे होगा? बिल्कुल सच बात। भगवान गीता में क्या कहते हैं? यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यांतिकम यत् तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम इत्यादि है। मुझे याद है लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसमें क्या है। योग के अभ्यास के द्वारा जब चित्त आत्मा में रम जाता है, लग जाता है, निरुद्ध हो जाता है, अपने मन से आत्मा का ही दर्शन करता है, जब अत्यंत सुख, आत्यांतिकम सुखम यत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, इंद्रियों से प्राप्त सुख नहीं, ये बुद्धि से अनुभव करने वाला सुख प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त कर और कुछ भी चीज, यत्में स्थितो न दुख, और क्या है, उसको प्राप्त करके और कोई भी चीज जो है वो अधिक नहीं प्रतीत होती, दिखाई देती। और जिसको मैं स्थित होकर महान दुख से भी व्यक्ति विचलित नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योतम। तो यहां कहा है कि योग से आत्यांतिक सुख प्राप्त होता है, सुपरलेटिव सुख प्राप्त होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसमें प्रतिष्ठित होने से कोई दुख नहीं होता। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो हमको तो कुछ नहीं मिलता। गीता में अंत में कहते हैं सर निश्चयेन योक्तव्य, निश्चित रूप से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, निश्चित रूप से उसके लिए प्रयत्न कर, निश्चयेन योक्तव्य। योगो अनिर्विण्ण चेता, बिना डिप्रेशन। श्री राम कृष्ण इस चीज को समझते हैं, इसलिए मां जगदम्बा से कहते हैं बीच बीच में थोड़ा सा दर्शन करा देना, बीच बीच में उस भगवान के सुख के, तुम्हारे रूप के एक एक्सपीरियंस हो जावे, थोड़ा सा ज्योति दर्शन हो जावे, जो सुख का अनुभव हो जावे, शांति और संतोष का अनुभव हो जावे, तभी तो संसार में रहेंगे, नहीं तो कैसे रहेंगे? तो फिर उसके बाद में तो ये संसार के जो सुख हैं
इंद्रिय सुख वो आकर्षण बार बार करेंगे, उसमें खुश सुख तो हमको डेफिनेटली मिलता है, बड़े क्षणिक मिलता है। संगीत में सुख मिलता है, खाने में सुख मिलता है, आलिंगन में सुख मिलता है, लोग संसार के लोग उसी की तरफ जाएंगे। इसलिए मां जगदम्बा से कहते हैं थोड़ा सा एक एक बार दर्शन करा देना। और सच पूछा जाए ये बड़ा आश्वासन की वाणी है हमारे लिए। श्री रामकृष्ण ने हम सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए प्रार्थना की है, हम प्रयत्न करें मां जगदम्बा उसको सुनेंगी और उनको निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ टेस्ट देंगी आध्यात्मिक जीवन। विल गेट ए लिटिल टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और तभी हम उसको पकड़े रह सके। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं कई बार इसके बारे में सोचता हूं। श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं, मुझे पहले भी याद था, यहां पर आ गया, एक बार दर्शन दिए बिना उत्साह कैसे हो। स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास में स्वामी प्रेमानंद जी गए थे बेलूर मठ में, जब बेलूर मठ बन गया था और बेलूर मठ में बहुत सारे सन्यासी आकर ध्यान जब साधना इत्यादि किया करते थे, तब ब्रह्मानंद जी ने एक बार प्रेमानंद जी ने जाके कहा, अरे देखो राखाल, ब्रह्मानंद जी का नाम राखाल था, वो प्रेसिडेंट थे, कहा देखो इतने ये लोग भक्त लोग यहाँ पे साधक लोग अपने आए हैं, ये साधु देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, संसार त्याग करके आए हैं, अपने को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है ठाकुर भगवान के लिए, बेलूर मठ में अपना सर्वस्व दे दिया है, अरे इनको कुछ तो दो, उन पर कुछ कृपा करो, कुछ एक्सपीरियंस तो कराओ, तो ये कैसे रह सकते। ऑफकोर्स सारी कथा है, मैंने एक बार दो बार सुनाई है, ब्रह्मानंद जी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद बहुत लोग आए, उन्होंने कहा कि जो मांगो सो मांगो, कोई नहीं मांग सका, ये सब है, हम लोग अधिकारी नहीं है उसके। लेकिन यहां करुणावश श्री रामकृष्ण स्वयं प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अरे उनको थोड़ा सा दर्शन करा दो, कुछ थोड़ा अनुभूति दिला दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं, अगर आप राजयोग पढ़ें तो आप देखेंगे, स्वामी जी कहते हैं कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं, अगर ठीक ठीक अभ्यास करेंगे तो 6 महीने में आपको ये अनुभूति होने लग जाए, ये डिवाइन कुछ सुगंध आने लग जाएगी, कुछ ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी, कुछ कुछ हो जाएंगे, छोटी मोटी अनुभूतियां, उससे उत्साह बढ़ता है, उससे लगता है कि हम जिस पथ पे हैं वो ठीक ठीक पथ, लगे रहना पड़ता है। ये शुरू शुरू में मेहनत करके लगे रहना पड़ता है, एक बार इस प्रकार की जब अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं तब विश्वास हो जाता है कि हाँ हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो ठीक मार्ग, और फिर हम नहीं छोड़ते। और अन्यथा ये तो हमारा एक रूटीन है, संसार का भी काम कर रहे हैं, आधे घंटे एक घंटे आरती में जाके बैठ लिए, थोड़ा सा अच्छा लगा, शांति मिलती है शांति। मैंने कहा ना, लोग मैंने पूछा था वो पंचकुला में, तो एक ना आदमी स्पष्ट कहा, स्वामी जी हम शांति के लिए आते हैं, तो संसार में अशांति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, मकान है, नाम यश है, लेकिन शांति नहीं मिलती, थोड़ी शांति के लिए आश्रम में। ठीक, लेकिन जो साधक है उनके लिए श्री रामकृष्ण प्रार्थना करते हुए कहते हैं मां बीच बीच में दर्शन देना, और फिर कहते हैं क्या इसके बाद अंत में चाहे जो करना थोड़ा कर देना, उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा हो करना, बाद में समझ, कहते हैं अच्छा अंत में जैसा तुम समझो वैसा कर, मां तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर, सब त्याग नहीं कर सकते वो लोग, ठाकुर को जिन्होंने स्वीकार किया है, ठाकुर का मंत्र लेते हैं, उनको अवतार मानते हैं, आते हैं, क्या सब त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं त्याग मत कराओ बाबा, सब त्याग मन करना मां, वो उसके लिए दूसरे लोग हैं, उनका मनोरथ पूर्ण कर दो, थोड़ी बहुत इच्छा पूर्ण कर दो। बड़ी सुंदर प्रार्थना श्री रामकृष्ण की भक्तों के प्रति, कितना उनका करुणा है, कितना कंसर्न है उनके प्रति। श्री रामकृष्ण अब भी भावेश में है, उसी अवस्था में एकाएक मणि से कह रहे हैं, देखो तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गया, अब बस करो, कहो अब विचार नहीं करोगे। अब यहां से वो मणि से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने सभी भक्तों से प्रार्थना की थी,
अब मणि से मास्टर महाशय से कहते हैं, और मास्टर महाशय समझ गए कि अभी श्री राम कृष्ण बहुत उच्च भावावस्था में है। श्री राम मणि हाथ जोड़कर कहते बैठे हुए, अब देखेंगे यहां से वहां तक पूरे समय में हाथ जोड़े हुए मास्टर। ये श्री राम कृष्ण भी सामान्य मानव नहीं है, ये भगवान के साथ एक हाथ जोड़े हुए बैठे हुए कहते हैं, मणि जोड़ के कहते हैं, जी नहीं अब नहीं करूंगा, कोई विचार मत करना। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बहुत हो चुका, तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें बतला दिया था तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय, मैं यह सब तो जानता हूं। मणि कहते हैं हाथ जोड़कर, जी हां, तुम्हारा ध्येय, तुम कौन हो, तुम्हारा अंदर बाहर, तुम्हारे पहले की बातें, आगे तुम्हारा क्या होगा, यह सब तो मैं जानता हूं। मणि फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, जी हां, तुम्हारे लड़के हुए हैं, सुनकर तुम्हें फटकारा था, अब जाकर घर में रहो, उन्हें दिखाना है कि तुम उनके अपने आदमी हो, परंतु भीतर से समझो, समझे रहना, तुम भी उनके अपने नहीं हो और वे भी तुम्हारे नहीं हैं। मणि चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण आगे कहने लगे, अपने पिता को संतुष्ट रखना, अब उड़ना सीख लिया है तो भी उनसे प्रेम करना, तुम अपने पिता को साष्टांग प्रणाम कर सकोगे ना। मणि हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जी हां, तुम्हें और क्या कहूं, तुम तो सब जानते हो, सब समझ गए हो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मणि चुपचाप बैठे हैं, सब समझ गए हो ना। मणि कहते हैं, जी हां, कुछ कुछ समझा हूं। मास्टर कहते हैं, नहीं, तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है, राखाल यहां है, उसके पिता को सुनते। श्री राम कृष्ण भावावेश में ये बात कहते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मणि के माध्यम से श्री राम कृष्ण ने हमें उपदेश दिया, आध्यात्मिक लक्ष्य को स्थिर करके भगवान में जुड़ करके संसार में रहो। मैंने डांटा था तुमको लड़के हुए, लेकिन अब जाओ संसार में रहना, दिखाना कि तुम संसार के हो, लेकिन ठीक ठीक जानना कि तुम उनके नहीं हो, वे भी तुम्हारे नहीं हैं। ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं स्पष्ट रूप से, संसार में बड़े घर की दासी की तरह रहो, सबको बताना कि तुम उनके हो, लेकिन जानो मनी मन के उनके नहीं। ये दीज आर दी वर्ड्स ऑफ गॉड हिमसेल्फ, भगवान के मां जगदम्बा के मुंह से निकली हुई बातें, केवल मास्टर महाशय के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। इसकी अगली चर्चा हम आगे और करेंगे।